हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवानी एक बार फिर से वेलकम है आप सबका मेरे चैनल स्वास्थ्य शिवानी के संग में। 9 दिन का व्रत पूरे हुए हैं और अब मन करता है कि कुछ चटपटा सा मजेदार सा खाया जाए, तो बस चलिए एक मजेदार सी चटपटी सी सब्जी बनाते हैं जिसका नाम है पनीर करी मसाला। तो चलिए देखते हैं ये सब्जी कैसे बनती है। पनीर करी मसाला बनाने के लिए हमने यहाँ पर 250 ग्राम पनीर को बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है और पनीर फीका ना लगे इसलिए हम इसमें थोड़ा सा नमक छिड़क देते हैं और थोड़ी सी लाल मिर्ची। पनीर में नमक मिर्ची डाल दी है और अच्छे से इसको पलटते पलटते हुए इस पे मिर्च अच्छे से लगा देते हैं। सारे पनीर को इसी तरह से कवर कर देते हैं नमक और मिर्ची के साथ। दूसरे बाउल में हमने 1 टेबल स्पून के लगभग बेसन ले लिया है और इसमें भी बस 1 पिंच नमक डाल देते हैं। मिक्स करते हैं और इसमें पानी डालकर एक पतला सा इसका घोल बना लेते हैं। लम्स नहीं होने चाहिए। बहुत अच्छी ये पनीर करी मसाला सब्जी बनती है। फ्रेंड्स, नवरात्रे खत्म हो गए हैं और अब कुछ चटपटा सा मजेदार सी सब्जी खाने का मन था, तो मैंने सोचा आज ये मजेदार सी सब्जी पनीर करी मसाले की आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए, गाढ़ा बैटर हमें बिल्कुल नहीं बनाना है क्योंकि हमें पनीर के ऊपर केवल इसका पानी लगाना है, हमें बेसन के साथ उसे कोट नहीं करना है। ये देखिए, एक पतला सा हमने बैटर बना लिया है और गैस पर हमने रखी है एक कढ़ाई और कढ़ाई में हमने डाल दिया है बस 1 टेबल स्पून भी नहीं कहेंगे, टी स्पून के लगभग ऑयल। अब जो हमने ये पनीर को मिर्च और नमक के साथ कोट करके रखा है वो हम अपने बेसन में डाल देते हैं, जो हमने बेसन का घोल बनाया है, और जो कढ़ाई में हमने इसमें ऑयल डाला है इसमें हम पनीर को डालते जाते हैं। सारे पनीर को हम डाल देंगे और ये देखिए, बिल्कुल भी इस पे बेसन लिपटा नहीं है, बस हल्का सा बेसन वाला पानी लग गया है। सारे पनीर के पीस को हम एक बार हल्का सा कढ़ाई में सेक लेंगे। इससे क्या होता है, पनीर बहुत ही सॉफ्ट होता है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। ये देखिए, पनीर पे कितनी अच्छी सी बेसन के पानी की और मिर्च की कोटिंग हो गई है और पनीर कितना सॉफ्ट है। इस तरह से सेक लेने से पनीर बहुत सॉफ्ट होता है। अब हम सारे पनीर के पीसेस को एक बार निकाल लेते हैं। देखिए, हमने अपने सारे पनीर को निकाल लिया है और वापस से उसी कढ़ाई में हमने 1 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल और डाल दिया है। तेल को गर्म हो जाने दे। गर्म हो चुका है, अब इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून जीरा और 1 मीडियम साइज के प्याज को हमने इस तरह से पेस्ट बना लिया है मिक्सी में। प्याज को डाल देते हैं और प्याज को हल्का सा कलर बदलने तक हम इसको 1 से 2 मिनट चलाते हुए भून लेते हैं। प्याज का कलर बदल गया है, 1-1.5 मिनट तक प्याज को हमने भून लिया है। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून भर के अदरक, हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट हमने बना लिया है। मिक्स करेंगे और इसको भी चलाते हुए 1 मिनट तक हम प्याज के साथ भून लेंगे। फ्रेंड्स, बहुत अच्छी चटपटी ये सब्जी बन के तैयार होती है। एक बार जरूर से ट्राई करिएगा मेरी इस रेसिपी से। और यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज करिए और साथ में एक बेल आइकॉन का बटन आएगा उसको भी प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है कि मैं अच्छी अच्छी न्यू रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूं। ये देखिए, बात करते करते ही अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट भी इसमें अच्छे से भून गया है। अब इसमें हम डाल रहे हैं 2 मीडियम साइज के टमाटर को हमने मिक्सी में पीस लिया है। टमाटर की प्यूरी भी हम डाल देते हैं और आंच को हमने इस समय तेज पे रखा हुआ है 1 मिनट। टमाटर को भी हम इसी तरह चलाते हुए प्याज और अदरक, मिर्च, लहसुन के पेस्ट के साथ भून लेते हैं और फिर हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। टमाटर भी भूनते हुए 1 मिनट हो गया है और अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च,
टू टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और हाफ टी स्पून लाल मिर्ची पाउडर। मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। इन सब मसालों के साथ अभी हम तेल छोड़ने तक हम इस मसाले को भूनेंगे, जब तक तेल मसाले को रिलीज नहीं कर देगा। अब देखिए मसाले ने तेल बिल्कुल छोड़ दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने ये बेसन में पनीर को डिप करा था, इसमें थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं, मिक्स करते हैं और ये बेसन वाला पानी भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे नमक हाफ टी स्पून के लगभग, साथ में हम डालेंगे 1/4 टीस्पून के लगभग किचन किंग मसाला। किचन किंग मसाले की रेसिपी आप लोगों को मेरे चैनल पर मिल जाएगी। इसको मिक्स करते हैं और इसको कवर करके 5 मिनट हम इसको और कुक करेंगे। अब इसको लिड से कवर कर देते हैं और 5 से 6 मिनट इसको मसाले के साथ कुक होने लगभग हो गए हैं। कवर हटा के देख लेते हैं और ये देखिए सब्जी हमारी कितनी अच्छी लग रही है। अभी हम इसमें डालेंगे क्रीम, और क्रीम हमने बाजार की नहीं मंगाई है। 2 चम्मच घर की मलाई ली, उसमें 1 चम्मच दूध ऐड किया, मिक्स करा और बस क्रीम तैयार। क्रीम को इसमें ऐड कर देते हैं और इसमें डालेंगे 1 टीस्पून कसूरी मेथी, मिक्स करेंगे। क्रीम और कसूरी मेथी के साथ भी मिक्स करके हम इसे 1 से 2 मिनट इसी तरह खुले में पका लेंगे। और यदि आपको लग रहा है कि ग्रेवी गाढ़ी है और आपको राइस के साथ इसको सर्व करना है तो आप इस टाइम पर इसमें थोड़ा सा पानी अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अगर आपको रोटी के साथ नान के साथ सर्व करना है तो पानी मत डालिए, पानी कम या ज्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसको भून लेते हैं। मुझे भी अभी थोड़ी ये सब्जी गाढ़ी लग रही है तो मैं इसमें 2 टेबल स्पून क्रीम वाले बाउल में ही डालकर मैं भी इसमें पानी ऐड कर दे रही हूँ और इसको 1 बॉयल आने तक अभी हम पका लेंगे और उसके बाद हम इसमें पनीर के पीसेस ऐड करेंगे। पानी डालने के बाद भी हमने 1 बॉयल आने तक इसको तैयार कर लिया है और अब इसमें हम डाल देते हैं वो जो हमने पनीर के पीसे शुरू में बेसन के साथ कोट करके रखे थे। सारे पनीर के पीस इसमें ऐड कर देते हैं और इसी के साथ ऐड कर देते हैं इसमें थोड़े सा बटर। बटर डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें और ना डालना चाहें तो ना डालें। पनीर के पीस को डालने के बाद भी बस 5 से 10 सेकंड इसी तरह चलाते हुए मिक्स कर लेते हैं और हमारी ये चटपटी मसालेदार पनीर करी मसाला बनकर रेडी है। व्रत के बाद जरूर एक बार ट्राई करिए, मजा आ जाएगा इस टेस्ट को आप टेस्ट करेंगे तो। और ये लीजिए पनीर करी मसाला बनकर तैयार है और इसको अब हम सर्व कर। ये लीजिए रेडी है पनीर करी मसाला, जरूर एक बार ट्राई करिएगा, बहुत अच्छी सब्जी ये बनती है, खाने में मजा आ जाएगा। मैं मिलूंगी आपसे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू। और प्लीज फ्रेंड्स कमेंट करके मुझे जरूर से बताइएगा कि आपको मेरे पनीर करी मसाला की रेसिपी कैसी लगी।